बेहतरीन कलाम वही है जिसमें अल्फाज कम और मानी ज्यादा हो। परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले तहलुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। सकून के लिए जरूरी है कि या तो ख्वाहिश कम की जाए या सलाहियत बढ़ाई जाए। सकून आपकी साथ से बाहर किसी जगह का नाम नहीं बल्कि इसी जगह के अंदर खुश रहने का नाम है। रफाकतों के फहज एतमाद से हैं। बद एतमाद इंसान न किसी के रफीक होता है न उसका कोई अबीब होता है।